सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा। मेरे सतगुर दीन दयाला, चवर छतर तख्त दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत, धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी, पावन गोद दा निग मान रही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो, अज जगत गुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा है। सब तो पहला तो आप सारिया संगतां नूं सतगुरां दे पावन पवित्र प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां। सारे एक बारी उचारण करो, रसना पवित्र करो, आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह महाराज जी की असीम कृपा का सदका ही अज गुरु का पंथ इतनी चढ़दी कला दे विच है। दुनिया दे विच बड़े धर्म ने, पर इतना उत्साह, इतना प्यार जो गुरु कीआं सिख संगतां विच वेख्या जांदा है, किते भी नहीं वेखण नूं मिलदा। यह सब गुरु की कृपा है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दीआं बख्शिशां ने उन्हां इक ऐसा फलदार, एक ऐसा छायादार बूटा लाया है जिहदी छां दे विच संसार दे तमाम बंदे सुख लैंदे ने। दास एक घटना का जिक्र आप जी नाल करदा है। दास करीबन 10 साल के करीब हो गए, अमेरिका न्यूयॉर्क दे विच एक गुरद्वारा साहब है 114 स्ट्रीट ते, उत्थे दास दी सेवा लगी सी कुछ दिन वास्ते। एक सज्जन मैनू उत्थे मिले, मैं उन्होंने नाम पूछया, उन्होंने अपना नाम दसिया। नाम तो पता लगा कि यह बंदा मुसलमान है। मैं क्या भाई तू मुसलमान है, इत्थे रहना ते लंगर छक लेना गुरु का? कहिंदा बिल्कुल छक लेना। मैं क्या कोई इतराज तो नहीं? कहिंदा नहीं इतराज। उसने गल दसी भी गुरु घर के अंदर केवल एक गुरु घर है, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में, चाहे विदेशों में चले जाओ, जिथे एक तो रहन की जगह तुहानू मिलेगी, एक तुहानू लंगर जरूर मिलेगा। उत्थों के गुरुद्वारों का असूल है, जिहड़े भुले भटके पंजाब के बंदे चले जाते हैं ना, 2 नंबर के वीजे लवा के, उन्हां कोल काम तो कोई हुंदा नहीं। गुरु घर के अंदर एक असूल बना गया कि घट्टो घट 15-20 दिन, 1 महीने तक उन्हूं कुछ नहीं कहा जाता, भी आराम ना रह, लंगर खा तो सेवा कर। इस दौरान उन्हूं कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। यह गुरु घर दीआं बख्शिशां जो गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने एक ऐसा फलदार जो बूटा लाया है जिहदी छां दे थले सारे संसार दे लोग आनंद माणदे ने। कैसी रहमत कीती है धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सारे संसार दे विच। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहुंदा, किसे धर्म मंदिर विच चले जाओ, मस्जिद विच चले जाओ, पहली गल ते रात नूं वड़न ही नहीं देणगे, दरवाजा ही नहीं खोलणगे। गुरु घर की मर्यादा है किसी भी वेले आ जाओ, तुहानू लंगर भी मिलेगा, रिहायश भी मिलेगी। यह है गुरु नानक पातशाह महाराज जी दीआं बख्शिशां। उन्हां ही बख्शिशां नू आप सारिआं दे नाल सांझा करना है, तरोताजा करना है, तां कि जो गल्लां जो गुरमत असी विसर चुके हाँ वह सानू चेते आ जाए। हुण बच्चिआं नू बार बार लिख के अक्खर पढ़ाए जांदे आ ना,
ਊੜਾ ਐੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਫੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਹੀ ਫਰੇਬ, ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਤਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੰਗਲੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਲੂੰਦਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾਖੂਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਾਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਬਾਹਮਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਸੀ। ਐਸਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਕਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਵੱਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ,
कहिंदे ने एक वारी किसी गरीब बंदे दा प्लॉट सी, अज भी प्लॉटां दे कब्जे हुंदे ने, उस वेले भी हुंदे सी। उहदा नाल ही गुआंढी सी एक तेली, तेली कहण लगा भाई साहब तुहाडा प्लॉट खाली पिया, मैं इहदे विच अपना बैल बन लिया करां। बंदा शरीफ सी, कहिंदा कोई गल नहीं भाई साहब, बन लो, वेला ही पिया। काफ़ी समा गुजर गया बैल बनते बनते, हुण तेली दे मन विच बेईमानी आ गई कि होए ना कि इहदे ते कब्जा ही कर लईए। हुण तेली ने कब्जा कर लिया, चारदवारी कर ली, एक झुग्गी पा दित्ती बैल दे छां करन वास्ते। कहण लगा प्लॉट मेरा ही है। उस वेले कोई रजिस्ट्रियां ते हुंदियां नहीं सी, आम करके ऐदां ही सौदे कर ले जांदे सी पिंडां विच। अज भी बहुत सारियां जमीनां ऐसियां ने जिहड़ियां मूँह जबानी जिन्हां दे सौदे हुंदे। हुण कागज़ नहीं सी, लेकिन अड़ोसियां पड़ोसियां नूं सब नूं पता सी कि इह जिहड़ा गुरमुख बंदा है इहदा प्लॉट है। हुण झगड़ा शुरू हो गया। काजी उस वेले दा जज सी, उह गरीब बंदा बेचारा रोंदा रोंदा पहुंचिया काजी दे कोल। कहण लगा काजी साहब कृपा करो, मेरे प्लॉट दे उत्ते तेली कब्जा कर रहा है, तो मेरा कब्जा छड़ाओ, मेरा प्लॉट मैनू दो। काजी कहिंदा ठीक है, तेरा प्लॉट है तेनू मिल जाएगा, पर कुछ रख जा रिश्वत। हुण गरीब बंदा सी, उहदे कोल कुछ नहीं सी। अज ते पग बनण दा रिवाज हट गया है। दास बचपन दे विच दास ने पिंडां विच वेख्या हर धर्म दा बंदा पगड़ी बनदा सी, चाहे वह हिंदू है चाहे वह मुसलमान है, सिखां ने ते बननी बननी है। उहदे कोल इक नवीं पग पई सी आउण जाण वास्ते, विआह शादी वास्ते रखी सी। उहने सोचिया चलो पग ही दे दिंदे, होर ते कुछ है नहीं। हुण काजी नूं उह पग रिश्वत विच दे दित्ती। कहण लगा काजी साहब मेरे हक विच फैसला करिओ, मेरा प्लॉट मैनूं मिल जाए। कहिंदा ठीक है, जद कल मैं फैसला करांगा उस वेले मेरे सामने बह के पग नूं हथ ला दी, मैनूं चेता आ जाएगा कि तूं मैनूं पग दित्ती है, मैं तेरे हक विच फैसला करांगा। हुण तेली नूं पता लगा, उह शाम नूं चुप चाप अपना बैल जा के काजी दे घर बन आया। जद उहनूं सवेरे फैसला होण लगा, उह गरीब बंदा बेचारा बथेरा पग नूं हथ लावे, बार बार काजी साहब पग वल ध्यान दवावे। हुण काजी पग वल क्यों वेखे, उहदे घर ते बैल पहुंच गया सी। बैल दी कीमत ज़्यादा है, पग दी कीमत घट है। हुण फैसला तेली दे हक विच कर दिता, काजी होए रिश्वती, रिश्वतखोर हो गए काजी। धर्म दे आगू, धर्म दे प्रचारक, वह लोग रिश्वतखोर हो गए। हुण जिहड़े सियाणे बंदे सी उहनां ने कहा गुरमुख प्यारिया तेनू प्लॉट नहीं मिलना, क्योंकि तेरी जिहड़ी पग सी ना वह बौल दिखा गया, तेरी पग नू बैल खा गया है, तेरी रिश्वत थोड़ी सी ते तेली दी रिश्वत ज़्यादा सी, इस वास्ते तेरे हक विच फैसला नहीं हो सकता। ऐसे फैसले करदे सन उस वेले काजी। ब्राह्मण नावे जियां घाए, घाए दा अर्थ की हुंदा है, हत्या, किसे नू मार देना। हुण ब्राह्मण दा कर्म की सी दसना पएगा, क्योंकि गुरु नानक साहब दे जीवन चर्चा कर रहे हैं आपां। ब्राह्मण दा काम सी जीव हत्या करना, जद जनेऊ पाणा है। कल भी आपां जिक्र कीता सी शाम दी कथा दे विच, बई एक पासे जनेऊ पाण दी रसम ते एक पासे बकरे चटका के, ते ओ ब्राह्मणा ने भी खाने ते खत्रियां ने भी खाने ते शूद्रां वैशां ने सब ने खाने। गुरु नानक साहब कहण लगे हद हो गई, एक पासे धर्म दे रहे हो, एक पासे जीव हत्या कर रहे हो, कैसा धर्म है तुहाडे विच ते कसाईयां विच फर्क की रह गया। फिर ब्राह्मण ने जे मीट खाना सी ते अशुभ मेघ जग करने शुरू कर दिते, गेंडा मार होम जग किए, देवत्यां की बाणे, गुरु की बाणी दसदी है। गेंडे वर्गे वड्डे वड्डे जानवर ब्राह्मणा ने मरवाए, घोड़े वर्गे वड्डे जीव उन्हां दे नां ते यग कीते गए। यग जिस दिन पूरा हुंदा, आखरी दिन हुंदा यग दा, उस दिन घोड़े नूं वड्डिया जांदा, इतिहास है। वह मीट कौन खांदा सी, यग करन वाले ब्राह्मण। जे मीट खाण दा मन कीता ब्राह्मण दा, ते उहने घोड़े वढवा दित्ते, गेंडे वर्गे वड्डे वड्डे जानवर वढवा दित्ते, देवियां बना लईआं। दास बचपन विच जदों पिंड विच रहे आ, कई वार देखा जी आह बकरा किहदा है, कहिंदे जी इह देवी दा बकरा है, देवी वास्ते बकरे छड्डे गए।
उन्हां नूं खांदा कौन है? ब्राह्मण। हादो कोई देवी कोई बकरा खाण आ रही है। ये एक टकवंज बनाया सी ब्राह्मण ने मीट खाण वास्ते, ते जे दारू पीण दा शराब पीण दा ब्राह्मण दा मन कीता ते मंदर बना दिते भैरों दे, शराब चढ़ानी शुरू कर दिती मंदरां विच, ते पींदा कौन है? ब्राह्मण। क्योंकि शराब पीण दा मन करदा, जे जे विचार करना है ते ब्राह्मण ने मंदरां दे विच देवदासियां रख दित्तियां। हद हो गई, इतना जीवन गिर गया धर्म दे आगूआं दा। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने ताई ते उहनां दे हत्थों जनेऊ नहीं पाया, भई तुसी ते हत्यारे जे, तुसी ते कातल लोग जे, तुसी ते जीवन तो गिरे हुए जे, मैनू की जनेऊ पाओगे तुसी? मैं ते जनेऊ पा के ही आया पहला ही। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, ए जनेऊ जी का हई ता पांडे घर। सतगुरु कहण लगे मैं ते दया रूपी, नाम रूपी, सत रूपी, जत रूपी जनेऊ रब दे घरों ही लै के आया, मैनू ये धागे दे जनेऊ की कोई लोड़ नहीं। एक गल होर सांझी करांगे, एक दिन दास पार्क विच घूम रहा सी, नाल मंदर सी, मंदर दे विचों बहुत वधिया धुन दे विच आवाज आ रही सी, बीबियां बड़े सुर विच गा रही सी, भोले भांग पियोगे के दम लगाओगे। समझण वाली गल है, ध्यान देना साध संगत जी, जे मंदरां दे विचों ये आवाज आएगी कि भंग पियो, पोस्त पियो, सूटे मारो, तो फिर आम जनता दे उत्ते की असर पएगा? तो बीबियां नूं मेरे ख्याल च नहीं गाउणा चाहिए, क्योंकि बीबिया ने तो अपने पतियां नूं वर्जित करना है नशियां तो, ते बीबियां गा गा के उन्हां नूं प्रेरित कर रही भी रज रज के भंग पियो, रज रज के सूटे लाओ, नशे भर भर के सिगरटां विच हद हो गई। ये सब साडे दिलों उत्ते ऐसा असर कर गया, किसी धर्म ग्रंथ विच नहीं जे लिखिया। धर्म ग्रंथां दे विच ते हिंदुआं दे ग्रंथ पढ़ो ना, उहदे विच लिखिया है कि नशा, हर एक नशा करन वाले वास्ते कितना कितना उहदा अपराध है। शराब पीण वास्ते लिखिया है भी नरकां दी गिणती लिखी है, शराब पीण वाले वास्ते इन्ने हजार साल नरक, अफीम खाण वाले वास्ते इन्ने हजार साल नरक, भंग पीण वाले वास्ते इन्ने हजार साल नरक। हद हो गई, जे तुहाडे वेद पुराण ग्रंथ कह रहे भी नशे नहीं पीने दे, तुसीं शिवजी महाराज नूं भी नशे पिआउणे शुरू कर दिते, कह दिता जी वह भंगड़ है, इस करके असीं भी भंग पीने आ, घोटा ला रहे, हद हो गई। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सानू जागृत किया कि ऐ मनुख मन तू जोत सरूप है, अपना मूल पछाण, ऐ मनुख तेरे अंदर परमात्मा दी जोत जाग रही है, इस नू पछाण कर, इनू लभना कर। क्योंकि एक एक गल सुभाविक है, क्योंकि 84 लाख जूना दे विचों आए हैं, ते मनुख दा सुभाव जड़ा है वह जानवरां वाली प्रवृत्ति जड़ी है ना, ढुड मारन दी, बुरा करन दी, अपना स्वार्थ पूरा करन दी, वो प्रवृत्ति हौली हौली जानी है। एकदम नहीं कोई कहे भी मैं एकदम संत बन जावां, एकदम सारा कुछ प्राप्त कर लवां, प्राप्त तां होवेगा जदों गुरु की गल सुणांगे, जदों गुरु की गल मन्नांगे। गुरु नानक पातशाह जी नूं सवाल कीता सी सिद्धा ने कि ऐ गुरु नानक पातशाह, सारा संसार, नौखंड पृथ्वी, मक्के जाके भी तुसी इस्लाम धर्म दे उस अस्थान ते जिथे कोई इस्लामी बंदे तो बिना दूजा बंदा नहीं जा सकदा, उस अस्थान ते तुसी पहुंचे, उत्थे भी इस्लाम धर्म दे बंदिया ने भी तुहानूं मत्था टेकिया है, की कोई ऐसा मनुख है जिन्हूं तुसी भी मत्था टेकिया होवे, जां तुसी भविख विच किसे बंदे नूं मत्था टेकोगे? सवाल बड़ा पढ़े लिखिया वाला सी। गुरु नानक पातशाह महाराज जी कहन लगे, अज तक ते मैं नहीं मत्था टेकिया किसे नूं, अज तक ते मैं सारी सृष्टि नूं झुकाया है गुरमत दा उपदेश दे के, पर आउण वाले समय दे विच मैं उस मनुख दे अगे झुकांगा जेड़ा मेरी गल मन्नेगा, जेड़ा मेरे बचन मन्नेगा, जेड़ा मेरा हुक्म मन्नेगा। ते हुक्म मन्नेया, हुक्म दे विच परवान चढ़े भाई लैणा जी, पुत्र भी नहीं मन सके कहना, पुत्री कौल न पालेओ कर पीरों कन मुरटीए, पुत्रां ने भी
पूर्ण हुक्म नहीं मनिया, गुरु नूं गुरु करके नहीं जानिया, पिता करके जानिया, एक सधारण पिता समझिया, गुरु नूं गुरु करके नहीं जानिया पुत्रां ने। भाई लहणे ने पछाण कीती ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अज तक पुरातन इतिहास दे विच कोई मिसाल नहीं सी। उल्टी गंगा जदों कहिंदे ना, एक कहावत है उल्टी गंगा बहना, ये गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जदों अपने सिख नूं मत्था टेकिया ते उस वेले लोकां ने कहा कि उल्टी गंगा चलाई जे, क्योंकि हुक्म मन्निया सी। साढ़े वास्ते भी हुक्म है, जो गुरु दे उपदेश ने, जो गुरु दी बाणी है, इस बाणी नूं पढ़ के इहनूं समझ के अपने हिरदे विच वसाउणा है, बाणी दे नाल बाणे दे नाल जुड़ना है। बाणी ते बाणा दोनों ही साढ़े वास्ते बड़े जरूरी ने। ते कई वार असीं गुमराह हो जाने हैं, बहुत सारे लोग सानूं गुमराह कर देंदे ने। एक वारी दास पंजाब खन्ने गया, उत्थे मेरे रिश्तेदार ही सी, दो बीबियां कहन लगियां जी फलाना सिंह बड़ा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता सी, पर उहदे घर भुख नंग ही नचदी रही, उहदा कोई मनोरथ पूरा नहीं होया। हुण फलाने बाबियां दे कोल पहुंचिया ते हुण सारा कुछ मिलदा। मैं कहा बई मेरे सामने कुफर ना तोलो, मेरे सामने इहो जिहियां कूड़ दियां गल्लां ना करो। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। एक बड़ी सुंदर गाथा गुरु के गुरमुख प्यारिया ने लिखी है, वो आप जी नाल सांझी करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि असी बार बार भटक जाने हैं। तो ये गुरु के प्रकाश पुरब आप जड़े मना रहे हैं ना, सार्थक तो होने जो गुरु की गल नू समझ लवेंगे। जे समझांगे तो फिर ही उन्होंने असी मन सकेंगे। जे गुरु की गल ही ना समझ आई, सिर दे उत्तों दी लंघ गई, तो फिर उन्होंने मन्नांगे की? इस करके गल नू समझना बड़ा जरूरी है। एक बजुर्ग ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਠ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮਾਤਾ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵਾਂ,
आ खंडे बाटे दा अमृत पान कर गुरु वाली बन। ए गुरु कदी नहीं मरेगा, ए कुदू गुरु कदी नहीं डरेगा, ए शब्द गुरु सदा ही तेरा इस दुनिया दे विच वी ते परलोक दे विच वी तेरा साथ निभाएगा। आपां हजूर साहब जाने आ ना ते इतिहास उत्थे लिखिया, उत्थे एक लाइन लिखी है थले के दसम पातशाह सिख नू 60 साल की उम्र तक उड़ीकते ने, सिख या सिखनी जो भी है, केवल सिख ही सिख ना किते मन लईए। लिखिया है कि 60 साल तक मैं उड़ीक कर रहे कि सिख आके हजूर साहब दे दर्शन करे। इस गल नू गहराई नाल जदों सोचिए ना, क्योंकि हजूर साहब इत्थे ही है, जिथे हजूर ने, जिथे गुरु ग्रंथ साहब ने, जिथे शब्द गुरु है उत्थे ही हजूर है। गुरु दसम पातशाह जी दे बचन दा अर्थ समझिए गहराई नाल, ते ओ कह रहे ने सिखा गुरु के प्यारे आ, जे 60 साल दी उम्र तक भी जे तू अमृत पान नहीं कीता, गुरु वाला तू नहीं बनया, 60 साल तक दी उम्र तक भी जे अगर तू जींदा रह गया, जे अमृत छक लिया, गुरु तेनू माफ कर देगा, गुरु तेरे पिछले गुनाह माफ कर देगा, गुरु हाथ फैला के खड़ा है तेनू गलवखड़ी दे विच लैण वास्ते। आ जा चाहे बुढ़ापे विच ही आ जा, उम्र की कोई शर्त नहीं है। वैसे तो गुरु साहब कहिंदे ने बारे बूढ़े तरने भैया सब हूं जम लै जई है, बचपन तो ही साडा फर्ज बनता है बच्चों नू नाम दे नाल जोड़िए, क्योंकि उम्र का सानू की पता कि 5 साल का ही होके चला जाए, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का बुढ़ापा ते भागा नाल वेखना है। जे लिखत होएगी तो वेख सकांगे 50 साल की, 60 साल की, 100 साल की उम्र। इस गल नू कोई ज्योतिषी नहीं दस सके, अज तक ना दस सकता है कि किसे बंदे की उम्र किन्नी है। केवल करता जानदा है जां गुरु जानदा है कि कोई भी मनुख संसार विच आ रहा है, पहला उहदी मौत लिखी जांदी, उहदा तरीका लिखिया जांदा है, अस्थान लिखिया जांदा भी किहड़ी जगह ते किस तरीके नाल इह बंदे की मौत होएगी, उस तरीके नाल मौत होएगी। इस वास्ते साडा सारिआं दा फर्ज बणदा है गुरु नानक नाम लेवा। जितने भी आपां सिख धर्म दे पैरोकार हाँ, एक एक संगत दा संगत दे विच बैठण वाला गुरु का प्रेमी सब गुरु के प्रचारक ने, क्योंकि गुरु घर दे विच केवल एक मनुख नूं प्रचारक बनाउण दी मर्यादा नहीं सी, अज असीं ओह मर्यादा नूं भी भुल गए हाँ। गुरु घर दे अंदर हर एक सिख प्रचारक है अपने धर्म दा, ते जिथों तक हो सके अपने धर्म दी गल दसनी चाहीदी है कि साढ़े जदों अमरीका दे विच वो हादसा होया सी ना ट्विन टावर वाला, ते लोका अंग्रेज लोका ने सानू भी मुसलमान समझ लिया, कई काले लोग जड़े हबशी जिन्हां नूं आपां कहिंदे ओह सानू कई वार सलाम आके कहिंदे सी, दास ने उहनां नूं ना अंग्रेजी विच लिख के देना कागज़ ते सत श्री अकाल, कहना भी असी आई एम नॉट ए मुस्लिम, आई एम सिख, साड़ी सलाम नहीं है, साड़ा सत श्री अकाल है। जद वो कांड होया ते अंग्रेज लोकां ने साडे नाल भी सिखां नाल भी दुरव्यवहार किया, सानू मुसलमान जान के असी अपने धर्म बारे किसी नूं दस ही नहीं सके, क्योंकि पगड़ी वह भी बनते ने, दाड़ी वह भी साड़ी तरह रखते ने, कोई गौर नाल वेखेगा तो पता लगेगा कि लवां कटाइयां ने, और सिख भी कट्टी फिरदे आ लवां, पता ही नहीं लगता। इस वास्ते हर एक सिख का फर्ज बनता है कि अपने धर्म नू दसना, कोई भी साढ़े संपर्क में आता उन्हूं दसना कि साडा धर्म की है, साढ़े धर्म के नियम की ने, असूल की ने, साडा धर्म जिहड़ा सब का सांझा धर्म है। इस्लाम धर्म दे बानी जिहड़े ने वो केवल इस्लामियां नूं ही कबूलदे ने, लेकिन सिख धर्म एक ऐसा धर्म है। हरिमंदर साहब दे चार दरवाजे इसे वास्ते रखे गए सी, उपदेश चौं वर्णा को सांझा, सारे संसार दे लोकां वास्ते इत्थों सांझा उपदेश है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी दा पवित्र प्रकाश पुरब मना रहे हां आपां सारे मिलके, बड़ी खुशी दी गल है, ते अज आपां कुछ ना कुछ सिख के जाना है, कुछ ना कुछ पल्ले बन के जाना है। ऐसे महान गुरु वड्डे भागां दे नाल
सानू प्राप्त होए ने, साढ़े किन्ने वड्डे भाग ने कि सानू गुरु नानक पातशाह महाराज वर्गे गुरु मिले। जे किते असी होर किसी पासे जम पेंदे ते सिगटां बीड़ियां पी पी के अपना जीवन व्यर्थ कर लेंदे। सत्कारयोग संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले, उन्होंने बड़े प्यारे बचन, वो क्या करते होंगे सी कि बोड़ का दरख्त हुंदा है ना, बहुत वड्डा दरख्त बोड़ का मन्निया जाता है। जिहड़े बजुर्ग बाबे हुंदे सी उन्हां नूं कहा जांदा सी ये बाबा बोड़ आ, भी बहुत वड्डी उम्र दा है, ते बोड़ की उम्र भी बड़ी वड्डी हुंदी है, ते दरख्त भी बड़ा वड्डा, छां भी बड़ी तगड़ी हुंदी है। महापुरश कहिंदे हुंदे सी जे बोड़ दे पत्तियां नूं गिण लईए, जितना वड्डा टोटल बने जोड़ बने उतने अच्छे कर्म होण ते गुरसिखां दे घर जन्म मिलदा है। ते जे उहनूं लगण वालियां जिहड़ा फल हुंदा है ना छोटा छोटा जिहा, ते उहदे अंदर बीज हुंदे ने बिल्कुल बारीक सूई दे नक्के वर्गे, महापुरश कहिंदे ने उहनां बीजां नूं सारिआं नूं गिण लईए ते पत्तियां नूं वी गिण लईए, टोटल जोड़ ला लईए, इतने चंगे कर्म होण ते फिर अमृत दी दात प्राप्त हुंदी है। कैसी महान बख्शिश गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी साढ़े उत्ते होई है कि सानू गुरु नानक पातशाह महाराज जी गुरु प्राप्त होए ने। असी किन्ना ऐ सिखा तू किन्ना वडभागा है, ऐ गुरु के प्यारे तू किन्ना वड्डे भागा वाला है कि गुरसिखा दे घर तेनू जन्म मिलिया है। ते फिर गुरसिखी नू धारण कर, सिखी नू छड़ ना। कबीर साहब ने ते अपनी पवित्र बाणी दे विच केसो क्या है, केसो दा भाव है केसा वाला। कबीर केसो केसो कूकीए ना सोईए असार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। केसो तो भाव है केसा वाला, साबत सूरत अकाल पुरख वाहिगुरु की जे कोई सूरत है तो वह साबत सूरत साढ़े वर्गी। जे गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने दी सूरत भी इसे करके साबत सूरत सी क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु का संदेश लैके आए सी। अज देखो हिंदुआ दे जड़े देवते विखाए जाते आ उन्हां दे केस ते सारिआं दे विखाउंदे आ, ते विष्णु देवते नूं छड़ के बाकी जड़े दो देवते ने उन्हां नूं क्लीन शेव विखाया जाता कि उन्हां दी दाढ़ी नहीं सी उगी। यह भी ब्राह्मण की करतूत है, किसी आम बंदे की करतूत नहीं है, ब्राह्मण की करतूत है। आम बंदा तो वेद पढ़ ही नहीं सी सकदा, वेदा की बाणी संस्कृत सी उन्हूं पढ़ ही नहीं सी सकदा, समझ नहीं सी सकदा, ते आम बंदे नूं पढ़न भी नहीं सी देंदे। हदायत लिखी गई सी जे कोई ब्राह्मण तो अलावा वेद पढ़ता उहदी जबान दे विच किल ठोक दिता जावे, जे कोई वेद सुन ले उहदे कन्नां विच ढाल के शीशा पा दिता जावे, फिर पता किन्नू ए लिखिया की है, दाड़ा क्यों नहीं विखाया कि किते सानू भी ना रखना पै जाए, हद हो गई। धर्म नूं ही गैर धर्म करी जांदे हो, धर्म दे विच ही मिलावट पाई जांदे हो। अकाल पुरख वाहिगुरु ने जे मर्द दे मूंह दे उत्ते दाड़ा चाहिदा है ते दाड़ा दिता है, जे औरत दे मूंह दे उत्ते दाड़ा नहीं चाहिदा नहीं दिता। मेल फीमेल दे विच औरत मर्द दे विच फर्क रखिया है, ते फिर ऐसा क्यों, फिर असी क्यों क्लीन शेव हुंदे जा रहे, क्यों साडे बच्चे सिक्खी नूं छड्डदे जा रहे ने, क्यों केसां तों असी दूर हुंदे जा रहे, क्योंकि साडा ही कसूर है कि असी बच्चों नूं गुरमत की विद्या दित्ती ही नहीं, गुरमत असी बच्चों नूं सिखाई नहीं, गुरु की गल असी बच्चों नूं दसी नहीं। असी टीवी के सामने घंटिया बधी बच्चों नूं बैठन दिता पर गुरुद्वारे लिया के असी बच्चों नूं नहीं बिठाया। जे असी जोर दे के बच्चों नूं गुरुद्वारे बिठावांगे, गुरु की गल सुणावांगे, रात नूं सौण लग्या कोई एक अद जिस तरह की भी साखी गुरु की आउंदी है, गुरु के साहबजादियां दी, गुरु के महान सिखां दी जे साखी एक भी बच्चे दे कन्नां विच पा देंगे। बचपन एक ऐसा समा हुंदा है, उस वेले जो चीज़ बच्चे नूं सिखाओगे सारी उम्र फिर भावें उन्हूं कोई करोड़ा रुपया दवे वह अपने केस कदी नहीं कतल कराएगा। केसां वास्ते कतल शब्द लिखिया गया है, जिवें बंदे का कतल हुंदा है ना, जे किसी ने केस कटाए ने तो उन्हूं कतल शब्द गुरमत विच वरत्या गया कतल।
इतना अपराध है सिख वास्ते केस कटाउणा, जिस तरह किसी आदमी का कतल कर दईए ऐसा ही गुनाह है केसा नूं कटाउण दा। गुरमत विच कतल शब्द वरत्या गया है केसा नूं कटाउण वास्ते। देखो बार बार गुरु सानू समझा रहा है, बार बार साड़ी बांह फड़ रहा है कि ए गुरु के प्यारियो गुरु दी गल नूं सुनो, गुरु दी मत नूं सुनो, गुरु दी मत नूं ग्रहण करो। ते गुरदेव ने कह दिता सी भाई सब तो पहला संदेश जेड़ा सी ना वो गुरु दा सी दया, जिथों आपां गल शुरू कीती सी दया कपा। ते दसम पातशाह जी ने जो पंज प्यारे साजे सी ना तलवार दी नोक नाल, उस वेले भी पहला दया ही आई सी, दया सिंह, तां के किते सिंह तलवार फड़ के जुल्म ना जालम ना बन जाए, उहदे अंदर दया भावना भी रवे। जे गुरु के प्यारे दे हाथ विच तलवार है ते वह हथियारा नहीं बन सकता, वह अपनी सैल्फ डिफेंस वास्ते हथियार नू वरत सकता है, गरीब मजलूम दी रख्या वास्ते हथियार वरत सकता है, बेगुनाहां दा कतल नहीं कर सकता। एवें जेदे मर्जी उत्ते हथियार तलवार नहीं चला सकता जे उसने गुरु की बाणी पढ़ी है, जे गुरु की गल उसने सुनी है, जे गुरु की गल मनी है। गुरु नानक पातशाह ने कहा ऐ धर्म दे ठेकेदारो तुहाडे अंदर ते दया ही नहीं, तुसी ते जालम बन गए हो, तुसी ते जीआं दे हथियारे बन गए हो। ते इत्थों तक ब्राह्मण सी इतनी गिरावट आ चुकी सी कि जे किसी ने कहा जी मैं ब्रह्मपुरी जाना है, मैं रब दे घर पहुंचना, कहिंदा भी सारा कुछ मैनू दान कर दे, अपनी स्त्री भी बच्चे भी धन दौलत भी, ते जे कोई जमीन जायदाद है वह भी दान कर दे ब्राह्मण देवता नूं। तीर्थ अस्थाना दे उत्ते कलवत्तर लाए गए आ रहे, हिंदू इतिहास भी इस गल नूं दसदा है, ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भी ते गुरु इतिहास भी इस गल नूं दसदा है। उस आरे दे उत्ते चढ़ा के उस बंदे नूं चीर दिता जांदा सी, मार दिता जांदा सी, ते उहदी जमीन जायदाद सारा कुछ ब्राह्मण लोग सांभ लैंदे सी। दसो इहनूं हथियारां नहीं कहांगे ते की कहांगे? धर्म दे आगू हथियारे बन गए। गुरु नानक पातशाह ने कहा ऐ हथियारियो तुहाडे हथों मैं जनेऊ पावां, तुहाडे हथों मैं की धर्म ग्रहण करां, तुसीं ते पापी जे मैनूं भी पापी कर दोगे। गुरु नानक पातशाह ने सब तो पहला संदेश, हजारां दी गिणती दे विच रिश्तेदार सज्जण मित्र जुड़े सी उस वेले तलवंडी विखे, उपदेश कीता सी दया दा। सब तो पहला असूल है सिख धर्म दा दया। इस्लाम धर्म वास्ते भी सतगुरां ने यही उपदेश दिता है, मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान। मेहर दा अर्थ भी दया ही है, भई मेहर दी दया दी मसीत बना। सिदक दा मुसल्ला हुंदा है कपड़ा जिहदे उत्ते खलो के नमाज पढ़दे ने। सिदक दा विश्वास दा भरोसे दा यकीन दा अल्लाह दे उत्ते खुदा दे उत्ते यकीन रखण दा मुसल्ला बना तां गल बनेगी। जे तू दयावान होएगा मुसलमान मोम दिल होवे, मुसलमाना वास्ते उपदेश है ए इस्लाम दे बानियो जे तुसी सच्चे मुसलमान हो ते तुहाडा दिल मोम वर्गा होना चाहिदा है, इतना नरम इतना कोमल इतना दयावान होना चाहिदा है तां तू सच्चा मुसलमान है। यही उपदेश सिखां नूं दिता कि गुरु के प्यारे हो तुहाडे अंदर सब तो पहला दया होनी चाहिदी है। जे गरीब नूं वेख के दया ना आई, गरीब दे उत्ते तरस ना कीता, रहम ना कीता, ते तुहाडा धर्म दा कोई अर्थ नहीं है। गुरु नानक ने बार बार सानू मोड़ मोड़ के लिआंदा, बार बार सानू समझाया कि ऐ गुरु के प्यारिया किते गलती ना कर बैठी गुरु नूं समझण विच, किते कुराए ना पै जावी। ते हुण वड़े वड़े पीर जड़े सी ना हमजा गौस वर्गे, उन्होंने भी जनता नूं गुमराह कीता। पीर हमजा गौस दे कोल एक पति पत्नी सियालकोट दे रहण वाले, उन्होंने बेनती कीती संत जी साढ़े वास्ते अरदास करियो, साढ़े घर बच्चा नहीं है। गुरुआं ने भी पुत्रां दे वर दिते ने, पुत्रां दी अरदास गुरुआं ने भी कीती है, ते सिखां दे घर पुत्र होए ने, गुरु इतिहास है। पीर हमजा गौस ने अरदास कीती, नाम जपण वाला सी, पुत्र
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਮਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਈ। ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਚਿਲੀਆ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਐ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ, ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਤੇ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਇਹ ਕੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਹੰਗਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਹੰਗਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੇਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਖੋਹਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਕਲ ਧਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ। ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੋਣਾ, ਬੇਹੰਗਮ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਸਾਧ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ, ਗ੍ਰਸਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਗ੍ਰਸਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਬਈ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ
सुंदर चिट्टे बस्त्र पहनदा सी, सारे अमृतसर शहर का कूड़ा टोकरी भर के सिर दे उत्ते चुक चुक के भाई बैलो ने उस पट्ठे विच पाया। इट्टां बहुत वधिया पक्कियां। गुरु ने उस वेले बख्शिश की, पुछया किन्ने सेवा की। सिखा ने कहा भाई बैलो ने, गुरु ने छाती नाल लाया, कहन लगे भाई बैलो सब तो पहलो जदों भी अकाल पुरख की दरगाह विच नाम लिया जाएगा गुरु के सिखां दा, उस वेले सब तो पहला गिनती भाई बैलो दी होएगी। सेवा वालियां नू, किरतियां नू गुरु ने पहल दिती है, ग्रस्तियां नू गुरु ने पहल दिती है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने यह चेले बनाउण दी जिहड़ी परंपरा सी ना गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच, कवि राज भाई संतोख सिंह जी ने बड़ी सुंदर एक गाथा लिखी है। गुरु नानक पातशाह ने चेले बनाउण दी परंपरा नू बड़ी दलेरी दे नाल तोड़िया सी। अचल वटाले बड़ा मेला भरिया सी, गुरु नानक पातशाह महाराज जी भी उत्थे पहुंचे सन। एक ग्रस्ती पति पत्नी गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल आए, उन्हां कोल 8 साल दा उन्हां दा बच्चा सी, पुत्तर सी। कहन लगे गुरु नानक साहब इस बच्चे नूं तुहाडा चेला बनाउणा है, तुहानूं भेटा करना है। गुरु नानक साहब कहन लगे मैं ते चेले बनाउंदा ही नहीं। कहन लगे जी बड़ा वड्डा दुखांत है, साडे घर कोई बच्चा पैदा हुंदा है उह पैदा हुंदिआं ही मर जांदा है। असीं सुखणा सुखी सी कि गुरु नानक साहब कृपा करो जे ये बच्चा 8 साल तक जींदा रह जाए असीं इहनूं गुरु की भेटा कर देवांगे। सतगुरु कहन लगा ए, गुरु नानक साहब कहन लगे ये गल है। गुरु नानक पातशाह जी ने भाई अजिते नूं कहा लकड़ां इकट्ठियां करो, चिखा बनाओ। चिखा बना दिती गई, बच्चे नूं चिखा दे विच बिठा दिता गया। भाई अजिते नूं सतगुरां ने कहा अग ला दिओ, लकड़ां बल पईआं। जोगी लोग बड़े खुश, कहन लगे असी दे लोकां दे पुत्तरां नू चेले बनाउने आ, उहनां नू पुत्तरां वांगू प्यार देने आ। ते गुरु नानक साहब लोकां दे पुत्तरां नू साड़न लग पए ने, सारी संगत इहनां तों टुट जाएगी। अचानक गुरु नानक पातशाह महाराज जी बोले, कहन लगे अग दे विच खोट सड़दा है, सोना नहीं सड़दा। अग सड़ के सवाह हो गई, बालक चौंकड़ा मार के बैठा रहा। जन्म मरण बंधन हते, टूट गए जम जाल, आवो निकसो बाहर को अब तो पए निहाल। गुरु नानक पातशाह महाराज जी कहन लगे बालक नूं को बाहर आ जावे। राख दे ढेर विच्चों बालक बाहर आ गया। एक ते आपां पुरातन साखी सुणदे ना भगत प्रहलाद दी, होलका ने अग दे विच लै के बैठ गई सी पर नाम उहदे हिरदे विच वसिया सी भगत प्रहलाद दे। तां ही गुरबाणी दे अंदर जिक्र कीता गया राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। क्योंकि नाम हिरदे विच सी, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै पाहे ना साकै जाले। जिहदे हिरदे विच नाम वस गया उहनूं ना ते अग साड़ सकदी है, ना जल डुबो सकदा है, ना चोर चुरा सकदा है, कोई भी नुकसान नहीं कर सकदा। भाई अजित उस बालक दे उत्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी की नज़र सी। गुरु नानक पातशाह महाराज जी की बख्शिश सी, बालक किवें सड़ सकदा सी। गुरु साहब कहन लगे जाओ ए बच्चे नूं अपने नाल ही लै जाओ, जे इहनूं अग नहीं ना साड़ सकी ते इहनूं कोई मार भी नहीं सकदा, इहदे ते जन्म मरण दे बंधन ही मुक गए ने, निहाल निहाल हो गया तुहाडा बच्चा। जाओ मैनू ऐसे चेले नहीं चाहिए जिहड़े घर बार छड़ के ते मेरे कोल आके वेलण बैण, मेरियां लत्तां घुटण, मेरी मालिश करन, जो अजकल दे साध करवाउंदे आ। समझण वाली गल जे गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं, गुरु की गल नूं समझना पएगा। गुरु साहब कहण लगे मैनू ते ऐसे सिख चाहिए ने जिहड़े किरती होण, जिहड़े कारोबार करदे होण, ते जिन्हां दे हिरदे विच मैं वसां, जिन्हां दे हिरदे दे विच गुरु की बाणी वसे, जिहड़े गुरु की गल नूं मन्नण, जिहड़े गुरु की संगत विच आ के नाम जपण। दोनों वेले जिवें भोजन की लोड़ है, दोनों वेले गुरु के दर की हाजरी भरन ते अपनी किरत करन, अपना कारोबार करन। हिंदुस्तान का दुखांत ही सी, हिंदुस्तान की
जिहड़ी तरक्की रुकी है इसका कारण की सी कि एक तबका ऐसा बन गया जिन्हें माला ही फड़ ली लखां दी गिणती विच भगवे कपड़े पा ले अपने आप नूं साधु विखाउण लग पए। अज भी ने हरिद्वार जाओ होर कुरुक्षेत्र होर इतिहासक स्थानों ते पहुंचो लखां दी गिणती विच साध बैठे आ जिहड़े कख नहीं जाणदे साढ़े तों वी निकम्मे ने जिहड़े राम नाम भी नहीं जपदे वेले बैठे अपने आप नूं संत खवाउंदे आ ते साढ़े जिहड़े ग्रस्ती लोग ने ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐ ਸਿੱਧੋ ਐ ਜੋਗੀਓ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਦਿਓ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕੈਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ते फिर ग्रस्तियां दे घर मंगण आ जांदे हो हद हो गई तुहाडी दान देण तों गुरु ने मना नहीं कीता। गुरु कहिंदे जे कोई आउंदा है मंगण वास्ते दिओ गुरु के सिख नूं हुकम है जे कोई मंगता आउंदा है ना मंगण वास्ते लोड़वंद गुरु के सिख दा फर्ज बनदा है उहनूं कुछ ना कुछ सरदा बनदा जरूर दवे गुरु दा हुकम जे। ऐसा नहीं कि मेरी गल सुण के सोचो भी इहनां नूं देणा ही नहीं कोई मंगण आया दिओ जरूर क्योंकि ग्रस्ती दा धर्म है। काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से काल कमाई करके किसी की तली दे उत्ते कुछ रखण जोगा जड़ा होएगा वही गुरु की राह नूं पछाण सकदा है वही गुरु की गल नूं समझ सकदा है वही अकाल पुरख के घर का रस्ता वह जाण सकदा है। पहुंचना बड़ी दूर की गल है पहुंचण वास्ते फिर गुरु की संगत विच बैठना बड़ा जरूरी है। कबीर साहब का बड़ा पवित्र सलोक है तो गुरु ने सानू ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਪਦਾ ਰਹਿ ਕਮਾਈ ਜਾ ਔਰ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਇਹ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਏ ਫੇਰ ਦੀ ਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡੀਆਂ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने इस परंपरा नूं बड़े जोर दे नाल तोड़िया सी कहण लगे गुरु का सिख जिहड़ा है ना वह किरती भी होएगा ते कीरती भी करेगा बंदगी भी करेगा। बड़े जोरां दे नाल बड़ा जोर लाउणा पिया सी गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं कोई एक दिन दे विच इस परंपरा नूं नहीं सी तोड़िया गया। लखां दी गिणती दे विच साध लोग निकम्मे निठल्ले हो के बैठ गए कुछ भी काम नहीं करदे सी निकम्मे ग्रस्तियां उत्ते बोझ। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कहा ये जो धर्म तुसी अख्तियार कीता है ये झूठ है ग्रस्त जीवन में आ जाओ ग्रस्त नूं पाप ना आखो। गुरु ने ते कहा है माण मांगो तान मांगो धन लखमी सुत दे। गुरु दे घर ते पुत्तर दा जन्म हुंदा है ते गुरु नूं चा चढ़दे ने वधी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर संग बहाली। गुरु दे घर ते पुत्तर आउंदा है ते गुरु कहिंदा मेरी मेरे खानदान दे विच मेरी पीढ़ी दे विच ते वादा होया है नाल नाल गुरु की संगत नूं एक सिख दा होर वादा मिलिया है। ग्रस्त जीवन क्यों जरूरी है बड़ी गहरियां गुरु दियां रमजां ने बड़े ध्यान नाल इहनां नूं समझना पवेगा। भाई गुरदास जी दे पवित्र बचन ने एक सिख दो साध संग जे किते संगत नहीं ना मिल रही किते दूर दुराडे बैठे हाँ पति पत्नी बैठ के अगर गुरु की बाणी का पाठ कर रहे तो वह भी संगत है। एक सिख दो साध संग दो जने बैठ के पति पत्नी होवोगे तो दो होवोगे नहीं तो दूजा कितों लभोगे। इस वास्ते ग्रस्त धर्म दे विच रहना अत जरूरी है। बार बार गुरु ने सानू उपदेश दिता है बार बार सानू जगाया है इस गहरी नींद दे विचों अज भी असी कुराए पै जाने हैं। बहुत सारे लोग सानू गुमराह कर देंगे जी फलाना बंदा बड़ा नाम देंदा है जी बड़ा नाम करता है बड़ा बड़िया करामाता विखाउंदा है पर एक मोटी जी गल मैं दसा अज तक किसी साधु ने नूं किसी ने उड़दा तो वेख्या नहीं है सिर्फ गल्लां ही सुनी फलाना साधु उड भी लैंदा है आपां वेख्या नहीं। जे उड भी सकदा होए तो पंछी भी उड़ते फिरते हैं उन्हां च किहड़ी करामात है ये किहड़ी वड्डी गल है पंछी भी तुरे फिरते उड़ते फिरते आसमान च उन्हें कड़ा कोई रब प्राप्त कर लिया है तो जे उड्डन वाला साधु बई
रब प्राप्त कर लेगा भी यह फलाना साधु जी नंगे पैरी रहिंदा है। सतगुरु कहिंदे नंगे पैरी ते बांदर भी सारी उम्र फिरदे रहिंदे, उन्हां ने किहड़ा रब पा लिया। कहिंदे जी ये मोनी बाबा है, हद हो गई मोनी बाबा। अकाल पुरख वाहिगुरु ने जबान दिती है बोलन वास्ते, कहिंदे ने इस जबान दे नाल जप स्वास सारे उच्चारण करो सतनाम वाहिगुरु, एक बारी फिर बख्शिश करो सतनाम। गुरु ते कहिंदा है भाई इस रसना दे नाल स्वास स्वास सिमरन करो, बंदगी करो, बाणी पढ़ो, गुरु का इतिहास पढ़ो। ते असी कहने फलाना बाबा बड़ा मोनी है, भाई हद हो गई। मोनिया दे पिछे लगना है कि गुरु दे पिछे लगना है, कि गुरु की गल नू मनना है कि मोनिया की साधा की गल नू मनना है। गुरु का सिख अपने आप दे विच संत है, गुरु का सिख अपने आप दे विच साध है, जे वह गुरु के हुक्म दे विच है। जे पंजा ककारां दा धारनी है, पंजा बाणियां दा नितनेमी है, किरत करन वाला है, दसां नौवां की किरत करदा है, बाणी बाणे नाल जुड़िया है, गुरु नाल जुड़िया है, ते वह सिख सधारण अवस्था दे विच भी वह संत है। आपां पछाण नहीं सकते कोई संत दे वास्ते कोई वखरे, कोई सिर ते मोर दे खंभ नहीं लगे। कबीर साहब दे बड़े पवित्र बचन ने, कहिंदे ने मैनू पता नहीं की होया है कि सारा संसार, मैनू पता ही नहीं है किवें हो गया सारा संसार कबीर 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 कर रहा है। कहिंदे मैनू तो पता भी नहीं लगा, अकाल पुरख वाहिगुरु ने मेरा नाम इतना रोशन कर दिता। इन्हां पंजा भगतां नू ये जात अभिमानी शूदर कहिंदे सी, ते जदों नाम दे नाल जुड़ गए ना ते कौडी का लख हुआ मूल, कौडी जिहड़ी सी ओह लखां दी बन गई। भगत धन्ना जी दे पवित्र बचन पवित्र बाणी, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छी परो होयो लाखीना। लखां दा बन गया, सारा संसार जानन लग गया। ते रविदास भगत जी कहिंदे मैं ते मरे हुए डंगरां दी खल लाउंदा सी, डंगर मरे हुए डंगरां नू शहर चों बाहर खिच के ले जाण दा साडे लोकां दा कारोबार सी, पर जदों मैं रब नाल जुड़ गया उही पंडित लोग जिहड़े जात अभिमानी मेरे नाल नफरत करदे सी ओह डंडौत करन लग पए। वह मैनू लम्मा पै के जिहड़ा मत्था टेकदे आ ना उहनू डंडौत कहिंदे, कहिंदे ओह मैनू डंडौत करन लग पए जदों मैं रब दे नाम दे नाल जुड़ गया। यह है परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़न दी बख्शिश। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया पयो कबीर। कबीर कबीर ग्रस्ती सन, कबीर किरती सन, किरत करके छकदे सी अपने हत्थां नाल खड्डी ते कपड़ा बुन के उन्हूं वेच के अपना गुजारा करदे सी। समझण वाली बात है, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब मना रहे हैं, हाथ नाल कपड़ा बुन के ते वेच के गुजारा कर दे, ते स्वास स्वास हाथ काम हाथ पाओ सब काम कर चीत निरंजन नाल। नाम जपदे रहिंदे सी, कारोबार भी करदे रहिंदे सी, आए गए दी सेवा भी करदे सी। ते एक दिन ऐसा आया साधुआं, देखो इत्थे समझण वाली बात है, किते घर बार छड़ के जंगलां च नहीं बैठे सी कबीर साहब। भगत नामदेव जी किते पहाड़ां दियां कंधरां विच लोक के सिद्धां वांगू जोगियां वांगू नहीं सी बैठे, किते पुठे नहीं सी लटके। कपड़े दा ही काम भगत नामदेव जी दा सी सीण दा, भगत कबीर जी दा कपड़े बनाउण दा, रविदास जी दा जुत्तियां गंढण दा, सैन नाई दा लोकां दी मालिश करनी, जां होर जिहड़े काम इहनां कोल हुंदे ने ओह इहनां ने करने। ते जद नाम जप लिया ते भगत धन्ना जी खेतीबाड़ी करन वाले सधारण जे बंदे, ते जदों नाम जपया, कई बार पत्थर पूजा दे नाल जोड़दे ने भगत धन्ना जी नूं, भगत धन्ना दी बाणी पढ़ लो, किते भी नहीं उहनां लिखिया कि ब्राह्मण ने मैनूं पत्थर दिता, इह सब बकवास है झूठ है। किसे ब्राह्मण ने भगत धन्ने जी नूं पत्थर नहीं दिता, भगत जी दी अपनी बाणी है
ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਧੰਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਅਖੀਰ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਆਇਆ, ਖੇੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।